दो दिन की दुनिया है मत चलो अकड़ अकड़ के, दो दिन की दुनिया है मत चलो अकड़ अकड़ के, आएंगे फरिश्ते ले जाएंगे पकड़ पकड़ के, किसी को नहीं छोड़ेंगे फरिश्ते, हल्लक में हाथ डाल को जान निकाल ले चले आती, किसी को नहीं छोड़ते फरिश्ते। और शायर बोलता, ये दुनिया जन्नत और जहन्नम की बुकिंग ऑफिस है, ये दुनिया जन्नत और जहन्नम की बुकिंग ऑफिस है, अमल देकर टिकट ले लो, जहां जाने की ख्वाहिश है, जन्नत में जाना रहा तो जन्नत की टिकट ले, जहन्नम में जाना अमल करो, कैसा अमल करती वैसा फल मिलता, जो यहां बोती वो वहां पाती, जैसी बीज बोओगे वैसा फल आखिरत में पाओगे, ये दुनिया आखिरत कमाने की खेती है। अब अच्छा बोएंगे अच्छा पाएंगे, बुरा बोएंगे बुरा पाएंगे। अल्लाह के नबी कहते हैं मौत से किसी को छुटकारा नहीं, फरिश्ता आएगा और ये नहीं देखेगा, मरने वाला तो अभी जवान है, इसकी जवान बीवी बेवा हो जाएगी, इसके मासूम छोटे नन्ने मुन्ने बच्चे यतीम हो जाएंगे, मैं कैसे इसकी रूह कब्ज करूं, हरगिज नहीं सोचता फरिश्ता। अल्लाह का आर्डर आया आया, उसकी रूह कब्ज करा ले चले गया, अब उसके पीछे कौन रो रही, उसके पीछे किसका क्या बिगड़ रहा, वो फरिश्ते को मतलब ही नहीं। जब किसी के मरने का टाइम आता है, अल्लाह का फरिश्ता एक सेकंड भी जल्दी नहीं करता, एक सेकंड भी देरी नहीं करता, उसी सेकंड में उसकी जान निकाल लेता है जिस सेकंड में अल्लाह ने उसे हुक्म देके भेजा है, एक सेकंड देरी भी नहीं जल्दी भी नहीं। हमारे मुकद्दर में कितने दाने खाना कितने खतरे पीना लिख डाला, वो दाने होने के बाद हो गया हमारा फिनिश आ जाता, पूरी दुनिया मिलको ऑक्सीजन देखो हम ना बचाना चाहे तो नहीं बचते, मर जाता। मौत का फरिश्ता हर जगह आकर आपको दबोच ले, सात समंदरों के नीचे जो जमीन मिलती है आपको, जो समंदरों के नीचे तल में उस जमीन के नीचे आप खड्डा खोद के एक बड़ा कमरा बना के वहां ऑक्सीजन फिट करके वहां कैद हो बैठे तो भी फरिश्ता आपको पकड़े जाता। अल्लाह के नबी कहते हैं सीसा पिघलाई हुई दीवार, सीसा पिघलाई हुई दीवार के खिले में भी कैद हो जाओ फरिश्ता वहां भी तुमना नहीं छोड़ता, आंखों पकड़े चले आते। मेरे भाइयों ये दुनिया में जब तक जीरी अच्छी जिंदगी करो, अच्छी जिंदगी करो, इनके इनको धोखा दिए, उनको चोरी करे, उनको झूठ बोले, इनको गारत करे, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा कई कुछ ही करती, कई कुछ ही करती। नहीं मौल साहब हमें कितना भी कारोबार करें दे, हमारा कारोबार ही अच्छा चलता नहीं, इसीलिए हमें बहुत परेशान रहते। किसी ने सवाल करने वाले ने सवाल किया, मौलाना हमारा बिजनेस अच्छा चलता नहीं, हमें हमेशा परेशान रहते कैसा करना। अल्लाह के नबी के जमाने में भी एक सहाबी थे हजरत अब्दुल्लाह बिन मुगफ्फल, उन्होंने हमेशा नुकसान पाते थे तिजारत में, क्या करे तो भी उनको फायदा नहीं होता था, भोले भाले। उन्होंने आकर बोले, अल्लाह के नबी बोले तिजारत में हर नुकसान से बचने की एक दुआ सिखाई अल्लाह के नबी, ला खलाबा, 32 दुआ है, एक किचक टुकड़ा ला खलाबा। खलाबा का तो तुम्हारे खलीबा रहती ना घर में, खलीबा को लाओ खलीबा 10 रुपए का तो पूछते तेरेंगे ना छोटे रेस्टम, वो याद करे तो ला खलाबा याद आ जाता तुमने। ला खलाबा इसका मतलब क्या, इसे कोई धोखा ना दे पाए। अल्लाहुम्मा ला खलाबा, या अल्लाह मैं तुझसे दुआ करता हूं कि तुम उससे धोखे से बचा ले। ये बुखारी की हदीस है, अगर आप ये दुआ पढ़ेंगे इंशाल्लाह आपको आपके बिजनेस में कोई भी धोखा नहीं देगा, हरगिज़ धोखा नहीं देगा, वो इतनी जबरदस्त दुआ है।